नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं वाटिका एक्सप्रेशन फ्लोर, सेक्टर 88B, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव। एक्सप्रेशन फ्लोर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये वाटिका टू नेक्स्ट की 300 एकड़ की टाउनशिप में है और इस सोसाइटी का एरिया 14.11 एकड़ है, जिसमें आपको 450 यूनिट फ्लैट्स मिलते हैं जो कि 2 BHK 1350 स्क्वायर फीट और 3 BHK 1550 स्क्वायर फीट हैं। इसे आप विद टेरिस और विदाउट टेरिस भी ले सकते हैं और इसमें आपको स्टिल पार्किंग विद लिफ्ट एंड विदाउट टेरिस एंड विद टेरिस, जैसा आप लेना चाहें इसे आप परचेज कर सकते हैं। अब हम खड़े हैं वाटिका एक्सप्रेशन फ्लोर्स पे और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोड्स सभी ऑपरेशनल हैं, पूरी दोनों तरफ सड़क के ग्रीनरी की गई है और कुछ फ्लैट जो है रेडी टू पोजीशन है और कुछ में फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस सोसाइटी को फरवरी 2022 में पोजीशन दे दिया जाएगा और अब हम बढ़ते हैं 1350 स्क्वायर फीट 2 BHK फ्लोर की तरफ। आज के समय में सबसे ज्यादा जो मांग रहती है वो 2 BHK और 3 BHK की रहती है और अक्सर ये ऑप्शन बाजार में बहुत ही कम है और पसंद के मिल नहीं पाते और हम इससे उम्मीद रखते हैं कि आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मिल पाएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि ये नीचे स्टिल पार्किंग, इसके बाद अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, जिसको ऑफिशियली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर कहा जाता है, और यहां पे स्टिल पार्किंग। अब हम बढ़ते हैं 1350 स्क्वायर फीट फ्लैट की तरफ। ये इस बिल्डिंग का एंट्रेंस है, एक फ्लोर पे सिर्फ दो ही फ्लैट है और एक लिफ्ट लगी हुई है और फर्स्ट पे ये ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है और दीवारों पे व्हाइट पेंट किया गया है। अभी सुबह का समय है और सूरज देवता के अभी दर्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद आपको यहां प्रॉपर लाइट ना मिल रही हो। यह है 1350 स्क्वायर फीट एक्चुअल फ्लैट। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दीवारों पे व्हाइट जिप्सम प्लास्टर किया गया है और एक कोट पेंट का भी है। इसके साथ ये मॉडल स्विचेस और फर्स्ट पे विट्रीफाइड टाइल्स, ये लिविंग डाइनिंग एरिया है, एल शेप लिविंग डाइनिंग एरिया और इस लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ ये रनिंग बालकनी। यहां फर्स्ट पे एंटी स्किड टाइल्स और लगभग 3.5 फुट की ये सॉलिड रेलिंग जिसमें ब्लैक पेंट किया गया है। ये ब्लैक पेंट काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में अगर जंग लग जाए तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता। और बालकनी से ये आपको शाफ्ट में एक ग्रीन व्यू दिखेगा जो इस एरिया की ग्रीनरी को और निखारता है। और अब हम बढ़ते हैं इसके साथ ये कॉमन वॉशरूम की तरफ। दीवारों पे मैट टाइल्स और फर्स्ट पे एंटी स्किड टाइल्स हैं। ये शावर सेट, गीजर पॉइंट विद डेंटेड फिनिंग्स,
अभी आज सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो हम लोग इस समय प्रॉपर रोशनी ना होने की वजह से शायद आपको वीडियो में दिखा नहीं पा रहे, इसलिए नेक्स्ट एक वीडियो में और बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे आपको मॉडल किचन बना के दिखाया गया है। जब ये आपको डिलीवर किया जाएगा तो सिर्फ ये ग्रेनाइट स्लैब और सिंक दिया जाएगा। मॉडर्न किचन आप पैकेज में या अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, और इसके साथ ये यूटिलिटी बालकनी, इसके साथ बालकनी में भी एंटीस्किड टाइल्स लगी हुई है 1x1 की, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम लगभग 11.5x13 का बेडरूम है। ये फर्स्ट पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग्स और दीवारों पे व्हाइट पेंट किया गया है विद मॉडल स्विचेस। इसके साथ ये 4.5 फुट वाइड बालकनी जिसमें एक्सेस इसके दूसरे बेडरूम के साथ भी है, और आप ये देख पा रहे हैं कि इस फ्लोर के बैक साइड पे ये गार्डन एरिया प्रॉपर ग्रीनरी यहाँ बैक साइड में भी दी जाएगी। एक साइड हालांकि वॉल साइड की यूनिट है, अगर इसके सामने भी कोई यूनिट आती है तो वहां भी इतना ही गैप और दिया जाएगा, यानी कि फ्लोर्स जो एक दूसरे फ्लोर्स हैं उनमें काफी अच्छा खासा गैप रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं यहां मास्टर बेडरूम की तरफ। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें फर्स्ट में लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और दीवारों का व्हाइट पेंट है, इसके साथ मॉडर्न स्विचेस, और ये फिर वही रनिंग बालकनी, और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम। यहां मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि दीवारों पे मैट टाइल्स हैं और फर्श पे एंटीस्किड टाइल्स, पैरिलियर का ब्रांडेड फिटिंग्स हैं विद शावर सेट, और बहुत ही खूबसूरत। अब हम बढ़ते हैं 600 स्क्वायर फीट टेरेस की तरफ, जो कि इस फ्लैट के साथ ऑप्शनल है, आप लेना चाहें या नहीं। इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये स्टेयरकेस वाइड स्टेयरकेस है, दोनों तरफ के फ्लैट्स को दिया जा रहा है, और ये एंट्रेंस हालांकि दरवाजे को पेंट कर दिया जाएगा। ये है इसका 600 स्क्वायर फीट पर्सनल टेरेस। आप चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी फ्लोर लें, आप इस टेरेस को अपने हिसाब से खरीद कर यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, इस पे कोई भी आप हार्ड ब्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसको डेकोरेट करके और बहुत अच्छे तरीके से इस टेरेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस समय आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि जैसे वो आपको सोना या उससे भी कोई कीमती चीज बेच रहे हो। लेकिन अगर कभी बीच में आपको कोई भी समस्या आती है, जैसे उस प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत पड़ती है या उसे किराए पे देने की जरूरत पड़ती है, तो इन्वेस्टर बिल्कुल असहाय सा महसूस करता है। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, और आप जब भी किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये सुनिश्चित कर लें
कि क्या वो रियल स्टेट एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा अगर आपको उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने या रेंट पे देने की जरूरत पड़ती है या किसी और तरह से किसी और प्रॉपर्टी के लिए भी आपको उस रियल स्टेट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्या वो आपका साथ देगा? ये बात सुनिश्चित कर लें तभी आप किसी रियल स्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।